अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां नदी के भंवर में फंस गया बाघ और फिर हुआ कुछ ऐसा कि मौत के मुंह से बच गई जान। कहां 50 से ज्यादा ट्रक डंपर लेकर अवैध खनन में जुटे थे माफिया, आई भयंकर बाढ़ तो हो गया काम तमाम। और कहां एक मामूली कपड़ा बेचने वाले को मिली है वीआईपी की तरह सुरक्षा। शुरुआत करते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी से आए हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ, जहां एक बाघ घाघरा नदी के भंवर में फंस गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइगर किस तरह से नदी के बहाव में तैरकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक भंवर के अंदर डूब जाता है। वो भंवर के अंदर भी काफी देर तक हाथ पैर मारता है और फिर नदी में दूसरी ओर से निकलता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक बाघ मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये वीडियो लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से गुजरती घाघरा नदी के घाट का है। टाइगर के नदी में फंसने की खबर वहां मौजूद गांव वालों ने वन विभाग को दी और वन विभाग के अधिकारियों ने बैराज पर बने फाटक को बंद करके पानी कम करवाया और बाघ को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे वाक्य में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि नदी के तेज बहाव के बावजूद टाइगर ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे बचा लिया गया। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। भिंड से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आप ट्रक और डंपरों की लाइनों के बीच से बाढ़ का पानी गुजरते हुए देख सकते हैं। सिंध नदी में खनन माफिया 50 से ज्यादा ट्रक और डंपरों को लेकर खनन में जुटे हुए थे, तभी अचानक पर्यायच गांव के घाट पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी आधे ट्रक तक पहुंच चुका था। हड़बड़ाहट में ड्राइवरों ने अपने वाहन ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से बाहर निकाले, जबकि बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन के अलावा एनजीटी ने भी रेत के उत्खनन पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके माफिया प्रशासन और माइनिंग की मिलीभगत से अवैध उत्खनन कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान निकलती हुई रेत का ढेर भी पानी में समाकर गायब हो गया। खनन माफिया जहां किसी की बात ना मानकर कुदरत को चैलेंज कर रहे थे, वहीं प्रकृति ने इन्हें बता दिया कि मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। तीसरी अनोखी खबर यूपी के एटा से है, जहां आप एक ऐसे रेहड़ी पर सामान बेचने वाले शख्स को देखेंगे जो दो गनर लेकर घूमता है। ये कोई वीआईपी नहीं है बल्कि एक मामूली कपड़ा बेचने वाला है। दरअसल पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच बैठे रामेश्वर दयाल वो शख्स हैं जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार और समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ थाने में जबरन जमीन पर कब्जा करने और अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। रामेश्वर दयाल के इसी मुकदमे पर रामेश्वर सिंह यादव और योगेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में जाकर इस मुकदमे को फर्जी बताते हुए खारिज करने की मांग की, तो वहीं हाईकोर्ट ने रामेश्वर सिंह दयाल को पुलिस से सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। इसी वजह से इनके साथ सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।